दोस्तों अगर आप भी हमसे अपना सी जी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर है हमारा 9860966974। अभी तक हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ चुके हैं और जैसे जैसे आते जा रहे हैं मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे केमिस्ट्री का इंटरव्यू एक्सपीरियंस केमिस्ट्री का ये हमारा थर्ड वीडियो है इसके पहले दो वीडियो अब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ ये वाला कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं और फ्यूचर में आपका इंटरव्यू होने वाला है तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे किए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जैसा कि इनका सेम जो प्रोसीजर रहता है हर किसी इंटरव्यू में वही सेम प्रोसीजर आप जाएंगे एनटीए रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पर आपका कॉल लेटर मांगा जाएगा इसके बाद आपको एक कैंड एन की तरफ से कोई भी एक बंदा आएगा वो आपको ऊपर सिक्स फ्लोर पर लेके जाएगा वहाँ पर एन का डेस्क बना हुआ है वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू रूम में भेजा जाएगा जहाँ पर आपका इंटरव्यू पैनल में तीन मेंबर हैं इंटरव्यू पैनल में तीन मेंबर होंगे आपके दो मेंबर आपके मेंबर वन और मेंबर टू ये दो मेंबर आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस और कुछ कुछ क्वेश्चंस आईपीआर के और जो थर्ड है मेंबर वो फीमेल हैं वो आपका एच राउंड क्वेश्चन करती हैं तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या इंटरव्यू में इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखिए सबसे पहले तो इनका एचआर राउंड हुआ है एचआर राउंड में इनसे क्या पूछा गया है इनका जो क्वालिफिकेशन था वो था इनका एमएससी केमिस्ट्री में तो इनसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया है व्हाट यू आर डूइंग सिंस एमएससी एमएससी के बाद से आप क्या कर रहे हैं और इसके बाद पूछा गया इनसे अगर आपका जो थ्री इयर्स का गैप था और उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन पूछा गया इसके बाद पूछा गया इनसे ये आईपीआर का क्वेश्चन है रीसेंट पेटेंट्स इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री का कोई रिसेंट पेटेंट आप बताइए ठीक है तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला जिस भी ब्रांच से आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिस भी स्ट्रीम से उससे रिलेटेड कोई ना कोई आई का ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं हो सकता है उससे रिलेटेड आपसे पेटेंट पूछ लें या उससे रिलेटेड कोई केस स्टडी वगैरह पूछ लें तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा ये क्योंकि बिलोंग करते हैं प्रयागराज से इसलिए इनसे इनके होम टाउन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके अलावा जो लेटेस्ट करंट इश्यूज़ हैं मैंने आपको ऑलरेडी बोला था जो हमारे करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनसे पूछा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर और उसके साथ साथ बेंगलुरु वाटर क्राइसिस के ऊपर इसके कॉजेज़ और इसका सोलूशन ये इनसे टोटल क्वेश्चन एच राउंड हुआ है उसमें पूछे गए हैं अब देखते हैं कि इसमें हमारे टेक्निकल राउंड में इनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो देखिए जो मेंबर वन थे उन्होंने इनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं टेक्निकल राउंड में जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है एरोमेटिसिटी ये क्या होता है एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक बिहेवियर इन सिंडस ये पूछा गया है एरोमेटिक बिहेवियर बताना है सिडनॉन्स में इसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन पूछा गया है एग्जाम्पल्स ऑफ ईवन सी टाइप पूछा गया है मैथड्स ऑफ असीमेट्रिक सिंथेसिस पूछा गया है। और इसके एग्जाम्पल्स पूछे गए क्वेश्चन रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स एंड देयर सिंथेसिस हेट्रोजीनियस कंपाउंड और उसका सिंथेसिस के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है क्लिक रिएक्शन का इनसे एग्जाम्पल पूछा गया है रिएक्शन का इनसे एग्जाम्पल और एक और पूछा गया How to determine reaction mechanism? Reaction mechanism को आप थोड़ा सा डिफाइन करिए इसके बारे में इनसे पूछा गया तो ये जो इनके मेंबर वन थे इन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन किए हैं इस तरह के टोटल ये इनसे पूछे गए इसके बाद जो दूसरे हमारे मेंबर थे जिन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन किए हैं वो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए ये क्वेश्चन गया है टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स सिलिकेट्स के टाइप्स बताइए क्या क्या टाइप्स होते हैं दियर फॉर्मेशन मकानिज्म उनका फॉर्मेशन मकैनिज्म बताइए की फीचर्स ऑफ बोराजाइंस कंपेयरिंग बोराजाइन एंड फॉस्फाजींस बोराजाइन और फॉस्फेजीन का कंपैरिज़न बताइए इसके अलावा पूछा गया है ऑर्गेनो में क्या किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है अगर मिला है तो किसको मिला है इसके बाद पूछा गया है एनालिटिकल मैथड्स एंड दियर डिफरेंसेज एनालिटिकल मैथड और उसके डिफरेंस बताइए न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछा गया है चेंजेस इन एटोमिक नंबर एंड मास नंबर इन डिफरेंट डिके रूट ये इनसे पूछा गया है इसके बाद इंडिया थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइंस व्हाट इन्फो दे कैरी तो मतलब बेसिकली इसका स्पेसिफिकेशन पूछा गया है इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया है करेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टेक्निकल डिटेल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करेक्टराइजेशन या बोल सकते हैं स्पेसिफिकेशन पूछा गया है और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन से किया गया है वॉट इज रोटाइल स्ट्रक्चर इसका आप हमें एग्जाम्पल दीजिए तो ये बेसिकली इनसे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेक्निकल क्वेश्चंस अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं और फ्यूचर में आपका इंटरव्यू है तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके पहले भी मैं आपको दो वीडियोस दे चुका हूँ तो वो पूरा एक तरह से आपके पास तीन वीडियो हो गए प्लस वन एक ये वाला वीडियो तो इन तीन वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के पूछे गए हैं इन तीन वीडियोज़ में वो सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से और जैसा कि मैंने बोला अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांच से हैं तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई पेटेंट का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है केमिस्ट्री से हैं बायोमेडिकल से हैं तो उससे रिलेटेड पेटेंट का क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं और इसके साथ साथ अगर कोई केस स्टडी है तो वो पूछ रहे हैं और लास्ट में इन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताया है इन्होंने बोला है कि ओनली लिटिल आईपीआर डिस्कशन आईपीआर के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ करंट इश्यूज पूछे गए और यहाँ पर इन्होंने लिखा है किसी भी तरह का क्वेश्चन मेरे प्रोजेक्ट से नहीं पूछा गया अब यहाँ इन्होंने लिखा है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आई इग्नोर्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पेड हैवी प्राइस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आई थिंक दे आर आस्किंग रैंडमली ऑल्सो इग्नोरिंग द प्रोजेक्ट वर्क एज मोस्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयर इट वेल तो एक प्रोजेक्ट वर्क भी इन्होंने इग्नोर कर दिया था हालांकि इनसे पूछा नहीं गया था इन्होंने यहाँ पे बोला है माई एडवाइज वुड बी नॉट टू इग्नोर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड करंट इशूज तो बेसिकली आपको क्या करना है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि यहाँ से रेंडम क्वेश्चन आपसे पूछना है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और जो भी करंट इश्यूज हैं जो भी करंट इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं मैंने जो आपको याद होगा मैंने आपको एक 50 क्वेश्चंस का आपको इंटरव्यू गाइड दिया था एक उसमें मैंने कई सारे करंट इश्यूज वहाँ पर मैंने उसमें इंक्लूड किए थे जैसे कि आपका एक तो आ, क्या बोलते हैं सी जो आपका लागू हुआ है इसके बारे में डाला था बेंगलुरु वाटर क्राइसिस था ठीक है और कुछ आपका डिजिटल इंडिया इससे रिलेटेड कुछ आपके मैंने वहाँ पर आपको दिया था तो जो भी ये इस तरह के आपके करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये जितने भी आपके करंट इश्यूज़ हैं ये आपको सारे पढ़ने होंगे इसके साथ साथ अगर किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं जिस भी ब्रांच से आपने अप्लाई किया हुआ है उससे रिलेटेड आईपीआर का क्वेश्चन पेटेंट उससे रिलेटेड कौन सा है या फिर उससे रिलेटेड कोई केस बताइए या कोई कोई भी डिस्प्यूट है कुछ ऐसा आप हमको केस स्टडी वो आपको पढ़ना होगा और बाकी जो आपका टेक्निकल है उसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ देना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वहाँ से रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी प्रिपेयर करना है तो ये केमिस्ट्री का है मैंने आपको तीन वीडियो दे दिए हैं सारे क्वेश्चन आप जितने भी केमिस्ट्री के हैं जो पूछे गए हैं मैंने आपसे शेयर कर दिए ये सारे क्वेश्चन आप कंबाइन करके सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से दोस्तों प्रिपेयर कर लीजिएगा हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं अब मैंने जैसा कि आपको बोला अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और अभी तक मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल इसका हम आपसे ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज एक्सपीरियंस जो भी हैं हमारे पास आए हैं वो हम आपसे शेयर कर चुके हैं अगर किसी दूसरी स्ट्रीम से आपका इंटरव्यू हो गया है सपोज़ मैकेनिकल से हो गया है या आपका मेटलर्जी से हो गया है या फिर आपका सिविल से हो गया है या फिर आप मान लीजिए और कौन कौन सी ब्रांच आपका बायोटेक है बायोमेडिकल है बायो है ठीक है पॉलीमर साइंस है, है। इससे किसी से भी अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है और आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं बाकी कोई जानकारी कुछ भी पूछना चाहते हैं आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग